भोपाल से एक खबर मिल रही है जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की राजनीतिक दलों से बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। बता दें कि जो निर्धारित समय है यहाँ पर हर राजनीतिक दल को दिया गया है और उसी समय अवधि में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और गंभीरता से लेने के बाद उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया, कांग्रेस नेता अजय गुप्ता और कैलाश मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आगामी चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें चुनावी तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको लेकर चर्चा, राजनीतिक दलों की समस्याओं को सुनने का काम यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा और जो मुख्य आयुक्त हैं ओपी रावत, उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि जो राजनीतिक दलों की समस्या है उनको हल करने का काम चुनाव आयोग जरूर करेगा। आकाश सेन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। आकाश, आज चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं उनके द्वारा ये बैठक ली जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक में? जी बिल्कुल रुमिता, मैं बताना चाहूंगा, भोपाल में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत, तो उनकी अध्यक्षता में जो है राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है और सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जो है ओपी रावत जो है 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि इस बार के जो चुनाव है पारदर्शिता तरीके से कराए जाए। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों की जो बातें हैं उनको भी सुना जाए और जहां जहां पर राजनीतिक दल समय समय पर शिकायत करते आए, जो उनकी मांग है कि किस तरीके से चुनाव को निष्पक्ष किया जा सकता है, इसके अलावा जहाँ जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाता है, इस बैठक में उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और इसी के साथ हम अगर बात करें तो इस बैठक में जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से जो है सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और जो है राजस्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता समेत जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं विजेश लुनावत, वो इस बैठक में जो है शामिल हुए थे। और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुरेश पचौरी, उनके साथ साथ जो है पीसी शर्मा जो है और कैलाश मिश्रा और प्रवक्ता जो है जेपी धनोपिया, वो जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है जिससे अभी जो है ओपी रावत जो है चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कांग्रेस भी आज यहाँ पर जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने फर्जी मतदाताओं को लेकर लगातार शिकायत की थी, उस बिंदु पर भी कांग्रेस इस मुद्दे को आज जो है ओपी रावत के सामने दोबारा से उठा सकती है और उनसे चर्चा कर सकती है। बहुत धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो आगामी चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है जिसमें राजनीतिक दल जो हैं वो शामिल हुए हैं। राजनीतिक दलों को समय अवधि जो है यहाँ पर दी गई है, जिस समय अवधि में इनसे चर्चा की जाएगी, उनकी समस्या को सुना जाएगा।